pencils and crockery stores, toy shops, shoes and chappal stores, book and stationery shops, novel stores, typing and printing shops, photoshop shops, automobile showrooms, service stations, welding shops, furniture showrooms and stores, home furnishing items. जुड़ चुके हैं दी एयर फ्रीज के साथ और मैं हूँ आपके साथ रोमी केरनी। कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। जी हाँ, कल रात को एक ऑर्डर निकाल दिया गया कि किस तरीके से रोटेशन पर दुकानें जो हैं वो खोली जाएंगी और जिसको लेकर अब जो है अनाउंसमेंट जो है अलग अलग मार्केट्स में की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसे कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दो ग्रुप्स में तीन ग्रुप्स में दुकानों को बांटे गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की गाड़ी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये हर मार्केट्स में जाकर जो है यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो अनाउंसमेंट है वो की जा रही है और बताया जा रहा है कि कैसे कैसे जो है यहाँ पर जो है दुकानें खोली जाएंगी। अगर सबसे पहले इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भी यहाँ पर पहुंची है और पूर्ण रूप से जो चेकिंग है वो की जा रही है कि दुकानें जो है जो ग्रुप्स के हिसाब से खुली हैं या नहीं खुली हैं। क्योंकि बात करें तो ग्रुप वन में जो है जो कि मंडे वेनसडे और फ्राइडे को ग्रुप वन आने वाला है उसमें क्लोथ रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। बुटीक्स और टेलर की दुकानें, हेयर सलून्स खुले रहेंगे, कॉस्मेटिक शॉप्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, जिम्स हैं और साथ ही साथ स्पास खुले रहेंगे, ज्वेलरी शॉप्स, शोरूम्स खुले रहेंगे, हार्डवेयर, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटीरियल स्टोर्स, सैनिटरी गुड्स स्टोर्स, ग्लास हाउसेज, शटरिंग मटीरियल्स, गिफ्ट हाउसेज, फ्लोरिस्ट और शॉप्स जो कि पूजा के सामान में डील करती है वो दुकानें यहाँ पर खुली रहेंगी। इसके साथ साथ मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज शॉप्स और वॉच और इलेक्ट्रिक जो वॉच रिपेयर शॉप्स है वो भी यहाँ पर खुली रहेंगी। इसके साथ साथ ही अगर बात करें तो ग्रुप सेकंड में जो है जो कि मंगलवार, वीरवार और शनिवार को आएगा, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आएगा, उसमें ग्रोसरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कॉन्फेक्चरी शॉप्स और जो कि शॉप्स मल्टीपल आइटम्स के साथ डील करती हैं वो दुकानें भी यहाँ पर खुली रहेंगी। इसके साथ साथ यूटेंसिल्स और क्रॉकरी स्टोर्स, टॉय शॉप्स जो हैं वो भी यहाँ पर खुले रहेंगे, शूज चप्पल स्टोर्स खुले रहेंगे, बुक स्टेशनरी शॉप्स जो हैं खुली रहेंगी, नॉवल स्टोर्स खुले रहेंगे, इसमें टाइपिंग प्रिंटिंग शॉप्स जो हैं वो खुली रहेंगी, ऑटोमोबाइल शोरूम्स खुले रहेंगे, सर्विस स्टेशंस, वेल्डिंग हाउस शॉप्स जो हैं वो भी खुले रहेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो फर्नीचर शोरूम्स, स्टोर्स और होम फर्निशिंग आइटम्स से जुड़ी हुई दुकानें वो भी खुली रहेंगी। और जो ग्रुप फर्स्ट में जो जितनी भी दुकानें जो नहीं कवर हुई हैं वो सभी ग्रुप सेकंड में आएंगी। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि एक बड़ी दुविधा लोगों के अंदर अभी भी बनी हुई है कि जिस तरीके से जो केमिस्ट शॉप्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, मेडिकल और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो दुकानें जो हैं असेंशियल सर्विसेज के तहत आती हैं, इसीलिए वो किसी भी ग्रुप के तहत नहीं रखी गई हैं। और ये सभी दुकानें जो हैं यानी कि हफ्ते के सात जितने भी छः दिन हैं उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही वेयर हाउस और होलसेल एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो भी खुली रहेंगी, वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट्स जो हैं वो भी खुली रहेंगी, मिल्क शॉप्स, मीट और चिकन शॉप्स, ईटरीज और बेकरीज जो हैं वो भी खुली रहेंगी, स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो भी हफ्ते के छः दिन जो हैं वो काम करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से आज से ये रोटेशन ऑफ शॉप्स जो है वो लागू कर दिया गया है, इसके साथ ही अगर किसी भी दुकानदार द्वारा जो है कोविड का अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो नहीं देखने को मिलता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी होगी। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कल रात को एक ऑर्डर निकला था, यानी कि एक ट्वीट के जरिए जो है डीसी जम्मू अंशुल गर्ग ने जो है इसके बारे में जानकारी दी थी और उसके बाद से ही रोटेशन जो है दुकानों की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होना शुरू हो चुकी है। लोगों ने जिस तरीके से अगर बात करें तो दुकानें अपनी रोटेशन के हिसाब से खोलना शुरू कर दिया है, पर कहीं ना कहीं सुबह जो है एक बड़ी दुविधा देखने को मिली थी लोगों के अंदर, ये था कि क्या आज हमें दुकानें खोलनी है या नहीं खोलनी है। परंतु लगातार जो है जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमने देखा कि अनाउंसमेंट्स करवाती हुई नज़र आई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार अनाउंसमेंट्स करवाई, इसके साथ साथ ही जो पुलिस थी उसने खुद जाकर मार्केट्स का जो है दौरा किया और लोगों को जो है इसके पूरे ऑर्डर के बारे में आगाह किया, तो उसके बाद से ही लगातार जो है अब रोटेशन जो है दुकानों की देखने को मिल रही है। परंतु कहीं ना कहीं साथ ही साथ जो है बीच में जो है अब कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस रोटेशंस के ज़रिए जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। तो वहीं अब जो
चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है वो भी लगातार इस पर जो है कई मीटिंग्स करता हुआ नजर आ रहा है, और इस मीटिंग्स का क्या रिजल्ट निकलेगा वो एक बड़ी चीज देखने वाली होगी, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि टाइमिंग जो है उसे रिड्यूस कर दिया जाए। जिस तरीके से 10 से 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा रही है, उनका कहना है कि टाइमिंग जो है 10 से 6 या 5 कर दिया जाए, टाइमिंग रिड्यूस कर दिया जाए, पर रोटेशन बेसिस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, दुकानदारों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। उस पर वो जो है लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए अधिकारियों से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश क्या रंग लाती है ये एक बड़ी देखने वाली चीज़ होगी कि किस तरीके से जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन जो कि लगातार कदम उठाने की सोच रही है कि जो पूरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ध्यान रख रहा है कि जो दुकानदार है, जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के ओनर्स हैं, उन्हें किसी तरीके का नुकसान ना हो, ये एक बड़ी देखने वाली चीज़ होगी। लगातार कई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इस कोविड को हराने में, क्योंकि दूसरी लहर जो है लगातार फैलती जा रही है, इसका संक्रमण जो है तेज़ी से फैल रहा है, और जिसके चलते आज एक बड़ा फैसला जो है मार्केट्स के लिए रहा, क्योंकि कल एलजी साहब ने खुद इस पर जो है ट्वीट कर जानकारी दी थी, कल मॉर्निंग में जानकारी दी, और कल रात तक जो है ये ऑर्डर जो है सर्कुलेशन में आ चुका था। उसके बाद से दुकानदारों के अंदर कहीं ना कहीं दुविधा देखने को मिली, परंतु आज रोटेशन से दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार अनाउंसमेंट्स करा रहा है, पुलिस जो है लगातार चेकिंग करती हुई नजर आ रही है, और वहीं जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो भी लगातार कोशिश कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत कर जो है एक हल निकालने की कोशिश कर रहा है कि रोटेशन पर दुकानें ना खुलने की बजाय है जो है टाइमिंग को रिड्यूस कर दिया जाए। अब देखना यह होगा कि क्या फैसला सामने आता है, और साथ ही साथ आपकी क्या राय बनती है वो जरूर साझा कीजिएगा, और बने रहें दी आरती उसके साथ।